Hello everyone, myself Anil Kumar from the CMH Group of Institution, and today I am going to discuss the topic of service marketing. In this video, service marketing के बारे में हम लोग बात करेंगे. सर्विस मार्केटिंग होता क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव, उसकी उद्देश्य क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे हम सर्विस मार्केटिंग को डिफाइन कर पाएंगे. सर्विस जो सर्विस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द सर्विस मार्केटिंग. सबसे पहले हम लोग सर्विस मार्केटिंग को समझेंगे. सर्विस और मार्केटिंग, देर आर टू वर्ड्स अंडर दिस सेंस. वन इज सर्विस, अनदर इज मार्केटिंग. जब हम किसी भी सर्विस ओरिएंटेड चीज को मार्केटिंग करते हैं तो वैसे मार्केटिंग प्रोसेस को हम लोग सर्विस मार्केटिंग. हम लोगों ने पहले भी पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि देर आर टू काइंड्स ऑफ द थिंग्स फॉर विच वी कैन गो फॉर द मार्केटिंग एस्पेक्ट्स. द वन इज गुड्स एंड अनदर इज सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज दोनों में डिफरेंसेस होते हैं. हम लोगों ने देखा था कि उनके नेचर के बेसिस पे द गुड्स कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द सर्विसेज. सर्विसेज are intangible in nature, whereas the goods are tangible in nature. इसके अलावा भी services के बहुत सारे properties होते हैं जो कि goods से उसको differentiate करते हैं. और because services इसलिए difficult हैं इनकी marketing करना, क्योंकि these are intangible in nature. Intangible property होने के वजह से हमें इन services को orient करना, इनको define करना और इनकी मार्केटिंग करना एक डिफिकल्ट, एक चैलेंज टास्क. एनीवे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्विसेज. द सर्विसेज मार्केटिंग, द कोर कंसेप्ट ऑफ द सर्विसेज मार्केटिंग, इट्स गोज फॉर द फोर काइंड्स ऑफ द प्रॉपर्टीज: इंटेंजिबिलिटी, पेरिसेबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड इनसेपरेबिलिटी. इंटेंजेबल नेचर होने का मतलब यह होता है, इंटेंजेबल जो इसकी कोर वैल्यूज हैं वो इन सारे चीजों पे डिपेंड. इंटेंजेबिलिटी का मतलब होता है कि दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी टच, ओनली इट कुड बी फेल्ड आउट. वेयर एज द पेरिसेबिलिटी, हम उसको होल्ड नहीं कर सकते. वेरिएबल का मतलब होता है कि एट द सेम टाइम द सर्विसेज आर वेरिएबल इन नेचर. अगर मैं भी कोई सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जितनी भी सारी सर्विसेज दी जा रही है हमारे द्वारा वो हमेशा एक तरह की है. कोई भी ओरिजिन से हम सर्विसेज को एक नहीं बना सकते, वो वेरिएबल होगा ही होगा. एंड दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ द सर्विसेज, द इनसेपरेबल. इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट इन द सेंस कि सर्विसेज को एट ए टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं किया जा सकता है. सर्विसेज जिसके साथ जब एसोसिएशन है उसी समय इसको ओरिएंट किया जाता है और उसी समय इसकी कंजम्पशन हो जाती है. एंड दिस इज द कोर ऑफ द सर्विस मार्केटिंग. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विस मार्केटिंग, द कस्टमर एक्विजिशन, द कस्टमर रिटेंशन, द सर्विस क्वालिटी, प्रॉफिट. दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विस मार्केटिंग. The customer acquisition means what? To acquire the customer. Customer को कैसे लाना, कैसे उनको services के तरफ attract करना, कैसे उनको ये समझाना कि this is a kind of the service which is going to be marketed. और उस customer को सबसे पहले aware करवाना, उस बारे में बताना, उस service orientation के बारे में बताना, लोगों तक उस बात को पहुंचाना, ये customer acquisitions के process के अंदर आता है. किसी भी मार्केटर के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम कस्टमर को एक्वायर कैसे करें, उनकी एक्विजिशन कैसे करें, क्योंकि कोई भी मार्केटिंग होने के लिए सबसे पहले कस्टमर का होना जरूरी. कस्टमर रिटेंशन, ये द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज मोर चैलेंजिंग देन द फर्स्ट वन. हाउ इट इज, वंस यू विल गेट द एक्विजिशन ऑफ द कस्टमर्स, again the next challenge is to retain the customer, and that is very very difficult.
एज वी हैड बीन डिस्कस कि इट्स वेरिएबल इन नेचर, सर्विसेज की जो नेचर होती है इट्स वेरिएबल। हम एक ही सर्विस प्रोवाइडर हर समय पे अलग अलग तरीके की वेरिएशंस को शो करते हैं और इसकी वजह से रिटेंशन ऑफ द कस्टमर इज वेरी डिफिकल्ट। अनदर डिफिकल्टीज इज दैट द कस्टमर चॉइसेस, द प्रिफरेंस, द वैल्यूज, दिस ऑल आर बीन सो मच ऑफ डायनेमिक इन नेचर दैट अ मार्केटर हैव फेल्ट अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू गेट द कस्टमर रिटेंशन। ये कस्टमर की जो कंज्यूमर की जो बिहेवियर होती है, जो उनकी परसेप्शंस होते हैं, जो एटीट्यूड होते हैं, जो उनकी इमेजिनेशंस होती है, वो हमेशा वैरी करते रहती है। इट इज डायनेमिक और इतना डायनेमिक है कि उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। एंड दैट्स व्हाई द कस्टमर रिटेंशन इज मोर चैलेंजिंग देन द कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर तो मिल जाएंगे, हम जिस तरह से सर्विस की ओरिएंटेशन रखेंगे कस्टमर हमें मिलेंगे, लेकिन उनको रिटेन करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अनदर वन द सर्विस क्वालिटी, इट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विस मार्केट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। सर्विसेज की क्वालिटी को मेंटेन करना, उनके एट्रीब्यूट्स को बरकरार रखना, जो आपने प्रॉमिस किया उसको पूरा करना कंज्यूमर के लिए, कस्टमर वैल्यू को क्रिएट करना, क्वालिटी प्रोडक्ट रखना, दिस ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स इज एसोसिएटेड विद द सर्विस क्वालिटी। और एज वी ऑल नो द कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरिएबल एंड इट इज वेरी डायनेमिक एंड दैट्स व्हाई टू मेंटेन द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन इट इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विस मार्केटिंग। नाउ द प्रॉफिटेबिलिटी, एज वी ऑल नो एनी काइंड ऑफ द मार्केटिंग इज हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू ऑब्जेक्टिव टू गेट द प्रॉफिटेबिलिटी। हियर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द सर्विस मार्केटिंग ऑल्सो मार्केटर वॉन्ट्स टू गेट मोर मोर प्रॉफिटेबल प्रॉफिट सेल्स एंड दिस इज हाउ द सर्विस मार्केटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज। उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्विस के जो ये कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं ये आपको समझ में जरूर आए होंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो में मैं एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज। नाउ देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सर्विसेज, द प्रोफेशनल, द कंज्यूमर ओरिएंटेड। देर आर टू क्लासिफिकेशन, ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे सर्विसेज को, एक प्रोफेशनल एक कंज्यूमर ओरिएंटेड। प्रोफेशनल जो प्रोफेशंस जो जो हम लोग प्रोफेशन के तौर पे अगर कोई सर्विसेज हैं तो दैट कम्स अंडर द प्रोफेशनल सर्विसेज, वेयर एज द कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज इट होल्ड्स फॉर द कंज्यूमर नीड्स। अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर द सर्विसेज बीन प्रोवाइडेड दैट इज कम्स अंडर द कंज्यूमर ओरिएंटेड। ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंज्यूमर के नीड और वांट्स के हिसाब से जो भी सर्विसेज ओरिएंट की जाती है वैसे सर्विसेज को हम लोग कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विस बोलते हैं। जबकि हमने इसके पहले बताया आपको कि जो प्रोफेशनल जो सर्विसेज होती हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं कि जो प्रोफेशन के द्वारा दी जाती है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल के लॉयर्स दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ द प्रोसिक्यूटर, द डॉक्टर्स दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज अंडर आफ्टर डूइंग द ट्रीटमेंट्स टू देयर पेशेंट्स, द टीचर्स they are educating the students and these are some of the examples of your professional services. Consumer oriented services, say for example the transport services, under the transport services, the other services, the healthcare services, these are the consumer oriented services. Umeed karta hu ki yahan tak aapko sara concept clear hoga. Agle video mein iske baad ke concept ko discuss karenge. Thank you. एंड आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।